फ्रेंड्स, आज ना हम लोग इस रूम का मेकओवर करने जा रहे हैं। Hello. और उसका मेकओवर करेंगी आन्या। आधा हो चुका है। आधा नहीं, आधा अभी कहाँ हुआ है। स्टार्टिंग हुई अभी तो। स्टार्टिंग हुई तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और रात के बज रहे हैं दस बजे। मेरी लिपस्टिक कैसी हो गई है। 10 बजे हम लोग अपने रूम का मेकओवर कर रहे हैं क्योंकि आज ही साफ हुआ है। हाँ, आज साफ हुआ और थोड़ी थोड़ी होली की तैयारी भी कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये कर्टन्स वगैरह तो धुलने हैं, तो इनको तो धुल के बाद में लगाऊंगी। अभी तो फिलहाल कैमरे में तो चमक रहा है क्योंकि अभी ये जल्दी मैंने धुले थे। बहुत ज्यादा गंदे भी नहीं है तो इस वजह से धुले थे। नहीं, दिवाली के बाद फिर धुले थे। और ये है कुछ, ये तखत ऐसे ऐसे था तो हम लोग थोड़ा सा इसका चेंज करेंगे। और इसको बनाना है हम लोगों को स्टडी रूम, है ना, तुम्हारे लिए। क्योंकि अभी ना बहुत गर्मी नहीं स्टार्ट हुई है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड है, तो अब ये यहाँ पे पढ़ सकती है। वरना इसको पढ़ाई में नीचे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आगे रूम में अगर कोई आ गया। और मतलब तखत बाहर था। हाँ। तो जब तखत को लाए इधर तो तखत इस तरफ थोड़ा था और उस तरफ जगह थी तो मैंने उधर खिसका दिया। और पहले ऐसे ऐसे था और टेबल तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, इस रूम का मेकओवर मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार ना थोड़ा हम लोग चेंज कर रहे हैं मेकओवर को। जब मैं आई थी तब पूरा बेकार सा था। जब मैं आई तब मैंने मतलब मैंने इसको इधर किया बेड को, और टेबल उधर ऐसी पड़ी थी उसको मैंने इधर किया। हाँ। इस तरफ किया, फिर इसको तो किया। अभी इसको करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि कैसा हम लोग कर रहे हैं। टेबल उधर रख दी है ना, टेबल उधर रख दी है। हाँ। तो ये जो सीलन दीवार पे है इसको छुपाने के लिए यहाँ पे चेयर रख दी जाएंगी। नहीं, इधर वो टेबल आएगी ना, स्टडी टेबल। अच्छा, स्टडी टेबल रखोगे यहाँ पे। वो तो फिर सुबह रखेंगे, अभी नहीं, क्योंकि वो तो अभी बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है और उसको सुबह साफ करेंगे। वो आगे रखी हुई तो बहुत धूल धूल है, इस टाइम तो हम लोग नहाएंगे तो है नहीं, इसलिए उसको सुबह नहाने से पहले साफ करेंगे। बाकी का जो रूम का मेकओवर है वो आपको दिखाते हैं करके पूरा। यहाँ वाली दरी कहाँ गई, कौन सी है ना। चलो ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में और आपको ये दिखाएंगे कि छोटे से रूम को हम लोग किस तरीके से मेकओवर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रूम नहीं है, छोटा ही रूम है, और किस तरीके से इसको पूरा करते हैं सही। तो चलिए है इस रूम का फाइनल लुक। और यहाँ पे अभी आएगा स्टडी टेबल, क्योंकि उससे ये सीलन हमें छुपानी है। और इतनी ज्यादा सीलन है यहाँ पे, हर कॉलोनी में जितने भी घर है ना लाइन से, सबके घरों में सीलन है, तो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पेंटिंग होती है फिर वैसे ही हो जाता है। फिलहाल तो अभी पेंटिंग करानी है, अब देखिए कब कराती हूँ मैं। तो बस तखत इधर से हटा दिया है ताकि ये थोड़ा सा सूखे भी, हवा वगैरह लगे, पूरा बंद था। स्टडी टेबल रख देंगे, उससे ये छुप जाएगा। और कॉर्नर में एक फ्लावर पॉट रखा है, ये भी देखते हैं हटाना है कि रखना है, अभी तो बस रख दिए। और यहाँ पे बिछा दी एक बेडशीट, और ये सब आन्या ने यहाँ पे लगा दिया है। और इधर हैं ये कर्टन्स जो मैंने नीचे वाले ऊपर कर दिए थे, ऊपर वाले नीचे। और ये बेड के पास एक जो गत्ता होता है उसकी साइड टेबल बना के म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रखें, कुछ डेकोरेशन का रखें, तो अभी तो यही रख दिया है। नीचे एक छोटी सी डस्टबिन रख दी है कि कुछ कागज वगैरह ना फाड़ फूड के इधर उधर ना फेंके, इसी में रखे। हाँ, और ये इधर भी ये कर्टन लगे हुए। उसके बाद इधर
नीचे एक अभी सिंपल सी ऐसी ही दरी डाल दी है कि ज्यादा अभी कुछ यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि अभी होली तक तो एक दो बार और सफाई मुझे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मेज के ऊपर, सेंटर टेबल के ऊपर ये डाल दिया है, ये एक पर्दा रखा हुआ था मेरे पास, वो डाल दिया है ताकि ये गंदा भी ना हो और थोड़ा सा देखने में भी खूबसूरत लग रहा है कि अगर नीचे ज्यादा गेस्ट आ गए तो ऊपर बैठा दिए, या फिर यही अपना पढ़ी लिखी यहाँ पे। इधर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के ऊपर भी ना कुछ हम लोग ढक नहीं सकते हैं, ऐसी ये यहीं पे रखा हुआ है जब से इन्वर्टर लगा है तब से, तो इसको हटा भी नहीं सकते हैं और ना ही इन्वर्टर पे कुछ ढका जाता है। तो अभी तो ऐसे ही ये शीट डाल दी रबड़ वाली, और क्योंकि सब लोग बोलते हैं इन्वर्टर पे कुछ ढकना नहीं चाहिए, वरना मैं सोची थी इसको कवर कर दूं, है ना। और उस इन्वर्टर की वजह से ही हमारा ये देखिए ये फर्श कैसी हो गई है, जो ये मार्बल लगा है। तो यहाँ पे बर्थडे जब किया था अन्य का, तो इसको छुपाने के लिए मैंने पूरे में कारपेट बिछा दी थी, लेकिन हल्का हम लोग इन्वर्टर पे बिछा सकते, लेकिन हम लोग का इन्वर्टर खराब हो गया था तो कुछ भी नहीं। तो बस कुछ इस तरीके से इस रूम का सिंपल सा मेकओवर हो गया है, जो कि कुछ इस तरीके से लग रहा है। और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है किसको? मुझे। अन्य को, क्योंकि मैंने ही सब खिसकाया है, मम्मी तो बाद में आई है। मैं जब तखत तो रूम भी तो तुम अपना ही तैयार कर रही हो ना, स्टडी रूम तो तुम अपना ही तैयार कर रही हो, तो तुम्हें ही करना था नीचे का। मैंने आज मैंने बहुत वैसे भी क्लीनिंग करी है, पूरा ऊपर से छत से लेके सब वो सब किया है। और ये भी हटा दो, ये नहीं अच्छा लग रहा है, अभी लगा रहा है तो बाद में हटा देना। तो चलिए कुछ इस तरीके से लाइक करिएगा, हम लोगों की मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो भी इसमें अभी डेकोरेशन अगर कुछ करेंगे तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कर्टन चेंज करेंगे, यही लगे रहने लगे रहने देते, क्योंकि अभी दिवाली पे मैंने ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर, यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। कल भी हम लोग वीडियो डालेंगे जो इधर टेबल सही करने का। हाँ, पूरा कल जब डाल देंगे। अभी तो फिलहाल ये रूम का मेकओवर का वीडियो ये है, बाकी फाइनल लुक कल भी आपको हम लोग दिखाएंगे कि वो रख के कैसा ये सब छिपा है कि नहीं छिपा है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वरना ऐसे ही छोड़ देते थोड़ा, लेकिन बस यही मुझे खराब लग रहा है। इस वाले खाली इस रूम में खाली नीचे की तरफ सीलन है और ऊपर हल्की फुल्की है बस। और मेरे बेडरूम में तो पूरे इधर की दीवार पूरी सीलन, पूरे रूम में सीलन है। देखिए क्या इसका हल क्या मैं निकाल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, देखते हैं फिलहाल, वो तो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो अभी इस तरीके से कुछ डेकोरेट हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या करना है? सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम लोगों का रूम कैसा लगा। बाय।